तो हेलो दोस्तों, देखो आज है 12 जून और आज ये एक रैंडम वीडियो है, जैसे मेरी बाकी रैंडम वीडियोस होती हैं। खैर इसको रैंडम वीडियो नहीं कह सकते क्योंकि तुम लोगों को ही ये वीडियो चाहिए थी। तुम लोग चाहते थे कि मैं वीडियो में बताऊं कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम क्या बनती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम क्या बनती है। बेसिकली मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम जो अभी आई है वो आज आई है 12 जून को, $100 आई है। लेकिन दोस्तों ये देख सकते हो मैंने 40 डिग्री पर, अभी 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और मैंने ये हुडी पहनी हुई है। ये हुडी पहनकर मैं वीडियो बनाता हूँ। तुम लोग पूछते भी हो ये हुडी पहनकर मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, इसका बेसिक रीजन है ये सब्सक्राइब द नूब, ये तुम लोगों को नजर आता रहे और तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा एहसास हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए मैं ये वाली हुडी पहनकर बनाता हूँ। लेकिन अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस है। इस कमरे में कोई एसी वेसी नहीं लगा हुआ, मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ। इस कमरे में बेचारा सिर्फ एक ये पंखा है और सामने की खिड़की वगैरह, ये जो पीछे जो खिड़की नजर आ रही है ये भी मुझे बंद करके रखनी पड़ती है क्योंकि जहर सी बात है, वरना बहुत ज्यादा शोर शराबा आता है। तुम लोगों को मेरे माइक का तो पता है ही। अब हमारे पास YouTube पेमेंट आ गई, YouTube इनकम आई है, $100 आई है। तो बेसिकली हम लोग अपना माइक भी खरीदेंगे और सबसे पहले ये हुडी चेंज करता हूं, टी शर्ट हम लोग छपवाएंगे द नूब वाली, रेक सेंटर जाएंगे। रेक सेंटर से ही लास्ट टाइम हमने ये वाली हुडी भी अपनी बनवाई थी, तो रेक सेंटर जाएंगे अपनी टी शर्ट छपवाएंगे और तुम लोगों को फिर मैं बताता हूं एग्जैक्टली रुपीज में मुझे कितना अमाउंट मिला है YouTube की तरफ से, मेरी फर्स्ट इनकम फर्स्ट पेमेंट। तो चलो सबसे पहले हुडी की बजाय टी शर्ट छपवाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये रेक सेंटर कराची सदर में आ चुके हैं और यहाँ पर हर तरह के कपड़े होलसेल रेट पर मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे रेट पर मिलते हैं। अभी हम ये अक्सा गारमेंट से, ये जो शॉप है अक्सा गारमेंट से, इससे हम लोग खरीदेंगे 350 रुपीज में टी शर्ट ब्लैक कलर की और फिर जाकर उस पर प्रिंट करवाएंगे, वो 200 रुपए तक का होगा। और यहाँ से दोस्तों रेक सेंटर के अंदर ही अब हम अपनी टी शर्ट पर दिनू प्रिंट करवाएंगे और ये प्रिंट होगा 200 रुपीज में। तो दोस्तों तुम लोगों को मैं बता दूं, आज हो गई है 13th जून। 12 जून को मैंने पूरा दिन अपना जाया किया लिटरली ये टी शर्ट छपाने में, और बहुत ज्यादा शदीद गर्मी थी कल, बहुत ही ज्यादा शदीद गर्मी थी। अब इस टी शर्ट में बहुत सुकून है, बहुत ठंडा मौसम महसूस हो रहा है, बहुत ठंडा फील हो रहा है मुझे क्योंकि हुडी तो जहर सी बात है बहुत ही गर्म होती है। तो दोस्तों हम लोग रेक सेंटर गए थे, ये जो टी शर्ट है ये मैंने अक्सा गारमेंट से खरीदी थी, जो मैंने अभी तुम लोगों को वीडियो दिखाई, ये टी शर्ट मैंने खरीदी है 350 रुपए की, 350 रुपीज की। इसके अलावा इसके ऊपर जो प्रिंट हुआ है ये सब्सक्राइब द नूब, ये जो प्रिंट है ये हुआ है 200 रुपए का, ये भी रेक सेंटर से ही हो जाता है। बेसिकली ये प्रिंट मैंने उल्टा किया हुआ, तुम लोगों को मैं सीधा करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो ये जो है ना, ये जब सीधा होगा तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन मेरा कैमरा मोबाइल का होता है, सेल्फी वीडियो बना रहा होता हूँ तो इस वजह से मैं हमेशा इसको इन्वर्ट करके वीडियो बनाता हूँ। और ये जो लिखा हुआ है ये भी उल्टा है, जो अब तुम्हें सही नजर आ रहा है, सीधा नजर आने लग गया है। तो ये है बेसिक, कल जो हमारा टोटल खर्चा हुआ है 550 रुपए का हुआ है और 100 रुपए का पेट्रोल भी लगा है, तो टोटल 650 रुपए का खर्चा हुआ ये टी शर्ट वगैरह बनाने पर। इसके अलावा दोस्तों तुम लोगों को मैं टोटल पेमेंट अब गिनवा देता हूँ। वैसे 12 जून को मेरे पास $100 आए थे, यूट्यूब ने मुझे $100 दिए थे जो कि पाकिस्तानी में बहुत कम बनते हैं, लेकिन मैं गिन के तुम लोगों को बता देता हूँ। ये देखो टोटल मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ अभी, ये है पहले, फर्स्ट हो गए हमारे पास 5,000 रुपीज, 5,000 के बाद 10,000 रुपीज, 10,000 के बाद 15,000, फिर हो गए 20,000, 20,000 के बाद 25,000, 25,000 के बाद 26,000, 27,000, 28,000, 28,000, तो ये हो गए हमारे पास 28,000 के बाद हमारे पास आए 500 और 600, 700, 700 के बाद ये हो गए 800, 800 के बाद 820, ये हो गए 28,820 के साथ मेरे पास आए थे 28,826। तो ये 5 का सिक्का है इन सारे नोट के साथ, लेकिन मेरा 1 रुपए का सिक्का खो गया है, वरना मैं तुम लोगों को 1 रुपए का सिक्का भी दिखा देता। टोटल जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं 28,826 $100 के, जो बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज में, बेसिकली इंडियन रुपीज में। तुम लोग ये देख सकते हो दोस्तों 8,255 रुपीज सिर्फ मुझे मिले, 8,255 रुपए मुझे सिर्फ मिले इंडियन रुपीज में, पाकिस्तानी रुपीज में 28,826, USD में $100 और इंडियन रुपीस में 8,255। बाकी दूसरे अपनी करेंसीज में कन्वर्ट करते रहना, पाकिस्तानी टू बांग्लादेश कर लेना, पाकिस्तानी टू नेपाल कर लेना, तकरीबन यही अमाउंट बनता है। और ये जो मेरा बन रहा है, ये जो टोटल बनता है, ये मेरे रोजाना के 10,000 to 12,000 व्यूज पर बनता है। तुम लोग मेरे तकरीबन रोजाना के 10,000 to 12,000 व्यूज करवा देते हो, जिसकी वजह से रोजाना के बेसिस पर दोस्तों मुझे मिलते हैं 800 रुपीज, पाकिस्तानी 800 रुपीज के दरमियान में मिलता है, जो मेरा एवरेज बन रहा है। और कभी व्यूज मेरे 12,000 से क्रॉस कर जाते हैं 13,000 पर, 1-2 बार आए 13,000 पर डे पर, तो बेसिकली तब मुझे मिलते हैं 1,000 रुपए भी मिल जाते हैं, तब तक 1,000 रुपए, 1,040 रुपए मिले थे जब मेरे 13,000 व्यूज बने थे ना, तो 1,040 रुपए मिले थे, अभी तक सबसे ज्यादा मुझे वही मिले, उससे ज्यादा YouTube ने मुझे एक दिन के नहीं दिए। तो ये है दोस्तों मेरी फर्स्ट पेमेंट, बिल्कुल पहली पेमेंट जो मेरी आई है वो आई है 28,826 पाकिस्तानी रुपीज, यानी $100। अब देखते हैं आगे हमारी कितनी कमाई होती है फ्यूचर में, जब मेरे लाखों में व्यूज जाते, तुम लोग जब लाखों में व्यूज दिन के लाकर दोगे तो देखते हैं मेरी दिन की कितनी कमाई होती है, मंथली कितनी कमाई होती है। तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब मेरे 100,000 व्यूज आने लग जाएंगे, यानी 1,00,000 व्यूज आने लग जाएंगे, तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मुझे
टोटल मंथली पेमेंट कितनी मिलती है। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ तुम लोगों की रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं यूट्यूब की पेमेंट का कुछ बनाऊं, वीडियो बनाकर दिखाऊं कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन तुम लोगों को जानना था कि एक रियल वैल्यू कितनी आती है एक बिगिनर यूट्यूबर की। तो बेसिकली मैंने बता दिया तुम लोगों को कि अगर $100 मुझे दे रहा है तो 28,826 बन रहे, ये समझो कि तकरीबन अगर मेरे 10,000 व्यूज पर डे आ रहे हैं तो मुझे 800 रुपए मिलते हैं, जिसके हिसाब से मेरा ये हिसाब बन रहा है यूट्यूब पर जो मुझे पेमेंट मिल रही है। अब दोस्तों कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में तो कर लेना, बेझिझक कर लेना, मैं हर कमेंट का लाजमी जवाब देता हूं और तुम लोगों के क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व करने की, तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को लाजमी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये टी शर्ट बताओ, ये टी शर्ट कैसी लग रही है, और ये भी लाजमी कर लेना सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, तभी तो मेरे 1,00,000 व्यूज हो पाएंगे और फिर तुम लोगों को बताऊंगा कि 1,00,000 व्यूज पर कितने मिलते हैं मंथली बेसिस पर। फर्दर डिटेल्स अगर चेक करनी हो मेरी डेली इनकम वगैरह पर और व्यूज वगैरह पर तो ये वीडियो लाजमी चेक कर लो। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल्स में बताया कि मुझे रोजाना के बेसिस पर कितना फायदा हो रहा है, यूट्यूब से कितनी इनकम बन रही है।